बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में। एक जमाना था जब ज्यादातर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर यही बना करते थे, या माता पिता का सपना होता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या बेटी डॉक्टर बने और वो साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने। इसके अलावा उनको सोचता ही नहीं था। और जो कोई आर्ट्स लिया करता था उसको समझते थे तो इसने आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स क्या काम किए हैं। जबकि आज दुनिया में ज़्यादातर लोग, या यूं कहें कि टर्न हो रहे हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ, और वहाँ पर अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। डिज़ाइनिंग का फील्ड कोई कमज़ोर फील्ड है? लड़कियों को स्पेशली डिज़ाइनिंग का एक वरदान ईश्वर ने दिया है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा कर सकती हैं, और पेंटिंग, ड्राइंग, ख्याल, घर को सजाना, संवारना, ये लड़कियाँ बहुत अच्छा कर सकती हैं। ऐसी ही एक माता पिता जो कि मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, जिनके घर में जब बेटी पैदा हुई थी तो खुशी भी आई थी और चिंता भी थी कि अब कैसे करेंगे, आगे सब कैसा होगा। इस लड़की ने बहुत अच्छी पढ़ाई की। आज इस कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, वो 21 साल की लड़की है आसपास, और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी मुंबई से ज्वेलरी डिज़ाइन में डिप्लोमा किया है। पढ़ना थी, बहुत कुछ आती थी, लेकिन इतना घर में खर्चा वगैरह नहीं देने का था, और माता पिता सोचते थे कि हम तेरी पढ़ाई पर इतना खर्चा कर देंगे तो शादी भी कैसे कर पाएंगे। अब इस बच्ची का सपना आगे का हो चुका है और ये चाहती है कि मैं न्यूयॉर्क में जाकर न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में अपना आगे का कोर्स पूरा करके एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकूँ। इनका प्रश्न है कि क्या मैं न्यूयॉर्क जाकर अपना सपना पूरा कर पाऊँगी? मेरे पिताजी के पास आज इतना पैसा भी नहीं है कि वो न्यूयॉर्क जाने का टिकट भी दे सकें, तो मेरे लिए सिर्फ सपना और ख्याल है। सिर्फ एक ही उम्मीद है कि मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जिसके पिता उस बच्ची का भी खर्चा देने के लिए तैयार हैं और मेरे लिए लोन देने के लिए तैयार हैं, जिस पर कोई भी पैसा ब्याज का नहीं लेगा। माता पिता कहते हैं कि हम अगले 10 साल में आपका पैसा चुका देंगे। अब इसको लगता है कि ये मेरे लिए तो एक मसीहा की तरह है मेरी सहेली के। उनका भी ये सोचना है कि ये दोनों साथ में रहेंगे तो शायद ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, ये भी एक सपना हो सकता है या एक ऐसा मंसूबा हो सकता है। तो आइए इस बच्ची की जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करते हैं और इस ग्रहों की जांच पड़ताल करके पता लगाते हैं कि क्या इसका सपना साकार होगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो ये कुंडली देख रहे हैं, ये 3 नंबर की कुंडली होती है, जिसे हम मिथुन लग्न की कुंडली कहते हैं। मिथुन लग्न द्वि स्वभाव लग्न है, कुछ हद तक पुरुष भी है, कुछ हद तक स्त्री भी है। कन्या राशि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बुध ना तो पुरुष है और ना महिला है, वो नपुंसक ग्रह माना जाता है। मुझे इतना बड़ा नॉलेज नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे मैं ऐसे डिज़ाइनर्स को जानता हूँ जो गे है और लेस्बियन है। उनसे बेहतर डिज़ाइनर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनको समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो सोच होती है, जो विजुअलाइज आपको करा सकते हैं, वो आम इंसान करा ही नहीं सकता है। खैर, ये मिथुन लग्न इस पर परफेक्ट है। इसके लॉर्ड बनते हैं बुध, लग्नेश और फोर्थ सुख हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध, जो कि इनके 6th हाउस में विराजमान है, जो कि रोग का घर भी और कर्जे का घर भी है। लग्नेश और ज्ञान बुद्धि के कारक ग्रह का रोग भाव में कर्जे के घर में बैठना और पीछे सूर्य आगे मंगल पाप कर्तरी दोष। खुशी की बात क्या है कि बुद्धि के लॉर्ड 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि विदेश यात्राओं का घर है, और वहां पर उच्च के चंद्रमा विराजमान है। आपको लंबी दूरी और विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला पड़ाव पार हुआ, आगे बढ़ते हैं। 5th हाउस जो कि हमारा एजुकेशन का होता है, और इस 12th हाउस जो कि हमारे विदेश यात्राओं का घर होता है। अब आप देखिए कितना, मैं कई बार इस पर बड़ा आश्चर्य करता हूं कि इंसान सपना भी वही देखता है या भगवान वही सपना दिखाता है जो उसका साकार होने वाला है। कमाल का राजयोग है। पढ़ाई के घर 7 नंबर जहां लिखा हुआ 5th हाउस होता है, और जहां 2 नंबर लिखा हुआ विदेश यात्राओं का घर है, इन दोनों के घर के लॉर्ड शुक्र करियर हाउस में विराजमान है। 7th हाउस में शुक्र कौन है? डिजाइनिंग के लॉर्ड है। शुक्र एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिविटी के लॉर्ड है। शुक्र फैशन के लॉर्ड है। शुक्र गारमेंट्स के लॉर्ड है। शुक्र ज्वेलरी के लॉर्ड है। शुक्र सोने चांदी के लॉर्ड है। शुक्र जेम्स के लॉर्ड है। क्या चाहिए आपको? पढ़ाई के घर के लॉर्ड करियर हाउस में और मंगल के साथ एंथुजियाज्म और जोश और जुनून दे रहे हैं। मुझे लगता है बच्ची कि तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। और यहां पर साथ में 6th हाउस जो कर्जे के लॉर्ड है और 11th हाउस इनकम के लॉर्ड होकर मंगल के साथ है,
तो आपको एक मसीहा के तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सपना साकार होना था, कोई न कोई तो माध्यम बनेगा, सरकार लोन देगी, माँ बाप के पास पैसा होगा, या फिर आप कमा के पढ़ाई करेंगी, यहाँ पर आपके कितना अच्छा होगा, आपके फ्रेंड के पिताजी आपको लोन दे रहे हैं बिना ब्याज के, धन्य है ऐसे लोग। मंगल के साथ विराजित, आप मंगली जरूर हैं, लेकिन शुक्र मंगल की युति आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत, शराब पीना, सिगरेट होना, सिगरेट पीना, गलत लड़कों से दोस्ती होना, जल्दी रिलेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें भी तुम्हारी आने वाले टाइम में होने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो गांव खेड़े में पैदा हुए हैं, गरीब तबके के लोग थे, बेंगलोर, हैदराबाद भेजा, मुंबई भेजा, पूना भेजा माँ बाप ने, और वहाँ जाकर सिगरेट टेंशन में पीने लगी लड़कियाँ, लड़कियाँ लड़के दोनों ही। विदेश गए तो पार्टी, नाइट लाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये अबॉर्शन, मिसकैरेज, दुनिया भर की चीज़ें एक साथ आपको शुरू हो जाती, मिल जाती है, ये भी आपको मिलने वाला है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना, आपका लक्ष्य क्या है। फिफ्थ हाउस में नीच के सूर्य आपको कष्ट देंगे, परेशानियां देंगे, इसीलिए आपने डिप्लोमा किया, पूरी जो है आपने डिग्री नहीं हासिल की है। ये नीच राशि का आपको बाद में भी अड़चने पैदा करेंगे। टेंथ हाउस में विराजित शनि निश्चित रूप से अपनी तीसरी दृष्टि से ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं और ट्वेल्थ हाउस पर शुक्र के घर को देख रहे हैं जहाँ चंद्रमा विराजमान उच्च राशि के। विदेश तो 18 से ज़्यादा देशों यात्राएं करोगे, और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तुम जब डिज़ाइनर बन जाओगे तो कितने शो आने वाले टाइम विदेशों में लगाओगी। सपने देखने तो छोटे क्या देखने, फिर तो बड़े देखो, लेकिन बड़ा अगर सपना है तो लक्ष्य बड़ा होगा, लक्ष्य बड़ा है तो योजना बड़ी होगी, योजना बड़ी होगी तो कर्म सशक्त रूप से बड़ा करेंगे, ईमानदारी से सपने आपके पूरे जरूर होंगे। अगले विषय पर चलते हैं। एट्थ हाउस जो कि आपके कॉमन सेंस का है, और इलेवंथ माफ करिएगा 11 नंबर जो लिखे हुए हैं वो आपके भाग्य का होता है। इसके लॉर्ड शनि टेंथ हाउस में विराजमान है। शनि भी बहुत अच्छा हद तक मैन्युफैक्चरिंग का काम कराता है, और शुक्र और शनि का 4-10 का संबंध। सेवंथ और टेंथ हाउस के लॉर्ड गुरु, यहाँ पर देखिए 9 और 12 नंबर के लॉर्ड गुरु यहाँ बहुत अच्छी पोजिशन में विराजमान है आपके। ये बृहस्पति विराजमान है शनि के घर में, और शनि विराजमान है बृहस्पति के घर में, ये परिवर्तन राजयोग आपको बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है, तो मजे करिए, आनंद उठाइए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस जो धन भाव है, इसके लॉर्ड चंद्रमा उच्च राशि के ट्वेल्थ हाउस में विराजमान है, लेकिन केम द्रुम दोष में विराजमान है। यह आपको कदम कदम पर धोखे दिलवाएगा, पैसे फंसाएगा, नुकसान करवाएगा, गलत बॉयफ्रेंड, गलत चक्रों में उलझाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है। लेकिन गुरु नीच राशि के भले ही हो, परिवर्तन राजयोग से चंद्रमा को देखते हैं, बचाने की कोशिश आपको सिर्फ एक गुरु कर सकता है, जो शायद आपके लिए मैं ही हूं, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, पढ़ाई लिखाई करके लोन को रीपे करना, माँ बाप के सपनों को साकार करना, ना कि उनको चकना चूर कर देना, याद रखिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि खुद के सपने साकार कर दो और माँ बाप को ही भूल जाओ, ये सब ये करवाता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको शनि की ढैया 24 जनवरी 2020 तक है, एलर्ट रहें, 2019 में आपके बाहर जाने का सपना पूरा साकार होगा। वर्तमान में राहु में शनि का अंतर है जो 14 मई 2020 तक है, और मैंने कई बार कहा है कि राहु शनि का जब भी कहीं कॉम्बिनेशन होगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भेजता है, आप तो न्यूयॉर्क जा रही हैं, शुभकामनाएं। नवमांश कुंडली के एक दो पॉइंट बता देता हूं जिससे आपको स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये देखिए कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, लग्न शनि ट्वेल्थ हाउस में विराजमान है, स्वग्रही होकर विदेश ले जाने के लिए तो सारे ग्रह आपके लगे हुए हैं। सिक्स हाउस जो कि कर्जे का होता है, वहां पर मंगल विराजमान है गुरु के साथ परिजात योग, और ट्वेल्थ हाउस पर इनकी दृष्टि है, लेकिन सिक्स और ट्वेल्थ हाउस में जब भी मंगल या केतु विराजमान हो, इंसान कर्जे में होता है, तो आपको कर्ज मिल ही रहा है, लेकिन चिंता नहीं करें। पढ़ाई के घर के लॉर्ड बुध बनते हैं, और एट्थ हाउस के लॉर्ड भी यहां पर बुध बनते हैं, और इलेवंथ हाउस में विराजित है, और अपनी सातवीं दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखते हैं, और यहां पर एक बड़ा सुंदर राजयोग आपके बनता है कि सूर्य आपके पढ़ाई के घर में सूर्य की तरह चमकना चाहती हो तो उसकी तरह तपना सीख लो, ये तपाने का काम सूर्य करेंगे। ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है जिस वजह से आप सिर्फ आनंद ही आनंद उठाइए। विदेश यात्राओं के घर के लॉर्ड शनि बनते हैं जो स्वग्रह विराजमान है, आप तो तैयारी करो, बस बैग पैक करिए, बाकी चिंता छोड़िए। कुछ उपाय बता रहा हूँ जिनका सहारा लेकर निश्चित रूप से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। कुंभ लग्न में एक योग कारक ग्रह बनता है जो मुझे अभी याद आया है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। फोर्थ और नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस सुख का होता है, नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है, इन दोनों के लॉर्ड शुक्र कुंभ लग्न के लिए योग का रखकर सेवंथ हाउस में विराजमान है। वहाँ भी सेवंथ हाउस में थे, यहाँ भी सेवंथ हाउस में विराजमान है। यह डिजाइनिंग के लिए तो परफेक्ट आपका करियर बन सकता है, बस तुम भटकना मत, गलत लड़कों से दोस्ती, शराब, सिगरेट, ये सब तुम्हारे पास बार बार न्यूयॉर्क में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये मैनहट्टन में ये शान और शौकत की जिंदगी जो तुम जाके देखने वाली हो, ये तुम्हें बार बार डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तुम्हें ही सोचना है बच्ची कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। एक भाई, एक गुरु है, गुरु के हैसियत से मैंने आपको सलाह बहुत अच्छी दी है, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसे माने।
मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जिसका सहारा लेकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एक तो माँ बगलामुखी कवच और अमोघ महामृत्युंजय कवच। रोग, गलत बुद्धि का रोग और सुरक्षा दूसरों से हो जाए, इसका मैंने एक विशेष कवच का आपको लिख के भेजा है, उसे आप तत्काल पहन लीजिए। विद्यादात्री सरस्वती साधना करें और कर्ज मुक्ति का हनुमान प्रयोग जोधपुर से मैंने आपको भिजवा दिया है, जिसे आप तत्काल पूरा करें। निश्चित मानिए, सपना तुम्हारा साकार हो गया समझो। ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट मेरी है, जिस पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी अपना या अपनों का इस प्रकार से जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जोधपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ग्रहों का खेल नामक एक मासिक पत्रिका है मेरी, जो इसके सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जो हर महीने कोरियर से आपके घर पर पहुंचेगी। और निश्चित मानिए, आपके घर वाले जब इस मैगजीन को पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, 1 और 2 दिसंबर को न्यूजर्सी में, 3 दिसंबर मैरिडन, 4 दिसंबर एटलांटा जॉर्जिया, 5 और 6 दिसंबर ह्यूस्टन टेक्सास। इस पे संपर्क करने के लिए मैं आपको एक अमेरिका के नंबर दे रहा हूं, 347-633-7511। उसके बाद मेरी यूके की यात्रा रहेगी, 6, 8 और 9 मैं लंदन में रहूंगा, 7 दिसंबर बर्मिंगम में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं, 0786509-4276। उसके बाद मैं हिंदुस्तान के 5 दिवसीय दौरे पर रहूंगा, 14 दिसंबर सूरत, 15 दिसंबर बड़ौदा, 16 दिसंबर अहमदाबाद, 17 दिसंबर मुंबई और 18 दिसंबर पुणे रहूंगा। उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रहेगा, जिसमें 22, 23 और 24 दिसंबर मैं मेलबर्न में रहूंगा, 25, 26 और 27 दिसंबर को मैं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में रहूंगा, 28 और 29 दिसंबर को मैं केन्स में रहूंगा, 30 और 31 दिसंबर में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप 9829026625 इंडिया के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मेरा न्यूजीलैंड दौरा रहेगा, 2, 3, 4 और 5 जनवरी को मैं क्वींस टाउन में रहूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 दिवसीय मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहूंगा। जहां पर आप मिलने के लिए इंडिया के ही नंबर 9829026625 पर फोन करके अपना अपॉइंटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि आपकी और मेरी एक मुलाकात निश्चित रूप से आपकी जिंदगी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम एक समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समाधान जरूर खोजेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं, भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर, जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस, सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है
0091982906625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in। आप हमें वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।